अभी आपको खबर देंगे बहावलपुर चिड़ियाघर से, जहां पर चिड़ियाघर में टाइगर ने शहरी को चीर फाड़ दिया है, ये जख्मी कर दिया है। चिड़ियाघर के अंदर मौजूद टाइगर ने एक शख्स को जख्मी किया है। ये वाकया पेश आया है नाकिस सिक्योरिटी के बाइस चिड़ियाघर में, ये वाकया पेश आया जहाँ पर टाइगर एक शहरी को चीर फाड़ गया है और वो शहरी जहाँ बहक हो गया है। तहकीकात इस पूरे वाक़े की जारी है कि वो कोर्टयार्ड के अंदर शहरी कैसे दाखिल हुआ, सिक्योरिटी उस मौके पर कैसी थी कि शहरी अंदर दाखिल हुआ और टाइगरों ने उस पर हमला किया और उस शहरी को चीर फाड़ दिया और वो जहाँ बहक हो गया। अब इस वाक़े की सारी तहकीकात जारी है कि बहावलपुर चिड़ियाघर की सिक्योरिटी का क्या निज़ाम है और ये शहरी टाइगर के पास उसके कोर्टयार्ड में अंदर दाखिल कैसे हुआ। खूंखार टाइगर ने शहरी पर हमला किया, उसे चीर फाड़ दिया और वो शहरी जहाँ बहक हो गया है। बहावलपुर चिड़ियाघर से ये अफसोसनाक खबर सामने आई है। ये टाइगर्स जो यहाँ पर मौजूद थे चिड़ियाघर के अंदर अपने पिंजरे में अपनी जगह पर, वहाँ पर शहरी दाखिल कैसे हुआ कि इन टाइगर्स की जानिब से उस शहरी पर हमला कर दिया गया और वो तमाम टाइगर्स जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इस शहरी पर हमला किया और उसे चीर फाड़ दिया और वो शहरी जहाँ बहक हो गया। इस पूरे वाक़े की तहकीकात जारी है कि टाइगर्स के पिंजरे के अंदर, उनकी हदूद के अंदर, कोर्टयार्ड के अंदर वो शहरी कैसे दाखिल हुआ। मुर्तज़ा नज़ीर बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, हम उनसे डिटेल्स लेते हैं। मुर्तज़ा, ये वाकया कैसे पेश आया था और बहावलपुर चिड़ियाघर की सिक्योरिटी का क्या निज़ाम है? जी देखें, अफसोसनाक वाकया है। इसमें सिक्योरिटी को जो है वो बिल्कुल इन्होंने गैर जिम्मेदारी का जो है मुतल किया है। सुबह सफाई के दौरान जो है खाक रूप को पता चला है कि शेर के मुँह में एक शख्स का जूता है, तो उसके ऊपर उसने जब शोर मचाया तो पता चला कि शेर ने एक शहरी को जो है वो रात से ही चीर फाड़ दिया है। तो उसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है, डीसी बहावलपुर के मौके पर मौजूद है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद मामला जो है वो खुलकर सामने आएगा। ठीक है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है इस वाक़े की मुकम्मल तौर पर, तो डिटेल सामने आएंगी। मुर्तज़ा नज़ीर बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।